हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्रिएटिव कुकरी क्लासेस लाइव आ चुकी है। आई एम कविता फ्रॉम क्रिएटिव कुकरी क्लासेस, एंड आप लोग के लिए बेकिंग कुकिंग सिखाने के लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। कुछ नया, कुछ डिलीशियस, कुछ मौसम के अकॉर्डिंग हम क्या कुक कर सकते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, आज हम अपना लाइव स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हाय ज्योति, कैसे हो? हेलो सोना, सोनम, रुचि, ज्योति, जिनके कमेंट्स आ चुके हैं, जिन लोगों ने लाइव ज्वाइन कर लिया है, एंड मुझे ये नहीं दिख रहा है। थैंक यू सोनम, सच अ ग्रेट गेस्टर। हाय दर्शना, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हेलो पाखी, हाय मंगल, हेलो वाइस। मेरे को इसमें ना वो लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं कि लोगों ने, मैं दूसरी तरफ से आके देखता हूँ। तो आज हम ना जल्दी सी ऐसी पाव भाजी बना रहे हैं, और रेस्टोरेंट जैसी, बट रेस्टोरेंट जो करते हैं ना गड़बड़, वो हम नहीं करने वाले हैं। हम अच्छी फॉर्म में हेल्दी पाव भाजी बनाने वाले हैं, ठीक है? हम कॉस्ट कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट क्या करते हैं, हमेशा पाव भाजी बनाने का एंड बहुत ओवर ऑयली होती है। तो हमारी पाव भाजी क्या है, ऑयली नहीं होगी, एंड इसमें कॉस्ट कटिंग भी हम नहीं करने वाले हैं। तो हम आज पाव भाजी बनाएंगे, जिसके लिए हमने वेजिटेबल्स बॉईल कर रखी है। पर्सनली मैं कौन सी वेजिटेबल्स यूज करती हूँ, कौन सी नहीं करती हूँ, क्यों नहीं करती हूँ, वो सारी चीजें मैं अभी लाइव में डिस्कस करूंगी। और जैसे कि बढ़िया सा मौसम चल रहा है इस समय ना, पाव भाजी है, छोले भटूरे, इनका ना एक अलग ही मजा रहता है, अलग ही क्रेज होता है ना। हाय रजनी, हाय मामूनी, हाय रश्मि, कैसे हो गाइस? क्यों नहीं हो रहा ये फर्स्ट? हाँ जी, तो कब तक टाइम? अच्छा, किसी और का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था जिसे मैं पढ़ रही थी। तो चलो गाइस, हमें ना सब्जियां पहले से बॉईल करके रखना है। पाव भाजी एक बड़ा हेल्दी ऑप्शन है, अगर आप बच्चों को खिलाना चाहते हो। कुछ ऐसे ऑप्शन भी दूंगी जिनसे आप पाव भाजी को थोड़ा और ज्यादा हेल्दी बना सकते हो, ठीक है? एंड वैसे भी ये बहुत हेल्दी होती है। पाव भाजी ऐसी है कि हर बच्चा खाना पसंद करता है, उसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स होती है, जो आपका बेबी, आपकी फैमिली मेंबर कंज्यूम कर सकते हैं। एंड मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है पाव भाजी। तो मैंने सब्जियां बॉईल करके रखी हैं और गरम है अभी, मैं दिखा देती हूँ। एंड काफी सारी मैंने जो इस रेसिपी के अंदर लिया है, 300 ग्राम ईच वेजिटेबल लिए है। मैं ज्यादा पाव भाजी बना रही हूँ, क्योंकि पाव भाजी जब बनती है तो एक बार में मन नहीं भरता है। अगर आप लंच या डिनर में बना रहे हो, तो ब्रेकफास्ट में भी उसी की डिमांड होती है। मेरे यहाँ तो ऐसी होती है, आप लोग क्या होता है कि छोले भटूरे बनाओ या पाव भाजी बनाओ, तो एक टाइम में सफिशियंट नहीं होता है। इवन आप लंच में खा लेंगे, डिनर में भी, एंड देन सुबह ब्रेकफास्ट में भी एक्सपेक्ट होगा कि हमारी कल की वो डिलीशियस सी डिश हमें मिल जाए टेस्ट करने को। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है जरूर बताएं। सोनम कह रही है आइए पाव भाजी। पाव भाजी मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट है, एंड इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ पाव भाजी। कुछ टिप्स जो मार्केट जैसी लगे, लुक वाइज भी लगे, एंड टेस्टी ज्यादा लगे, वो कहाँ पे घपला करते हैं, हम नहीं करने वाले हैं वो घपला, वो सारी चीजें शेयर करूंगी। मुझे ना यहाँ से वो ऑरेंज रेड कलर, ठीक है? तो एक्चुअली मेरे पास, मुझे ना अभी मैसर नहीं दिखा। सब जब भी आप वेजिटेबल खेलते हो, मुझे छोटा सा पहले बोल दे दो। आप पानी में अच्छे से बॉईल करोगे सब्जियां, तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी पाव भाजी के लिए आप सब्जियां ले रहे हो ना, रफली चॉप्ड करो, मतलब बड़ी बड़ी चॉप करना, फाइन चॉप नहीं करना है। फाइन चॉप करोगे तो वो मैशिंग में दिक्कत करेंगे। तो मैं, हाँ, मैशिंग में मैश नहीं होती है वो, उसका जो एक टाइट जो टेक्सचर होता है, स्मूथ वाला टेक्सचर, वो नहीं आ पाता है, ठीक है? मैं पानी अभी साइड निकाल रही हूँ, डालूंगी पाव भाजी के अंदर, बट सब्जियों से अभी अलग कर लिया है। इसके अंदर मैंने 300 ग्राम, अगर आप पाव भाजी बनाते हो, बहुत ही बेसिक है, सब बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं, वो गड़बड़ आप नहीं करोगे आगे से अगर आप ध्यान दोगे। सबसे बड़ी बात है, आप पाव भाजी में ऐसा नहीं करोगे इतनी सी मटर डाल दी, इतनी सी गोभी, इतनी सी गाजर, और ढेर सारे आलू डाल दिए। इससे क्या है, आपकी सब्जी में या आपने सब कुछ और कम डाला, गोभी ज्यादा सी डाल दी, या पत्ता गोभी ज्यादा सी डाल दी, या गाजर। आपको एक बैलेंस बना के चलना है अपनी पाव भाजी के अंदर, कि सारी चीजें इक्वल हो। अगर अप एंड डाउन है तो 50-60 ग्राम ऊपर नीचे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कुछ चीजें तो आपने 400 ग्राम डाल दिया, कुछ चीजें 50 ग्राम डाल दी, तो आपकी पाव भाजी का जो टेस्ट है बैलेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आलू, गाजर, मटर, गोभी, ठीक
चार चीजें डाली है, शिमला मिर्च का जो टेस्ट है पाव भाजी के अंदर बहुत पंचट आता है एंड बहुत पर्टिकुलर टेस्ट आता है जो पाव भाजी में मुझे नहीं चाहिए होता है, तो मैं कभी भी पाव भाजी में शिमला मिर्च नहीं डालती हूँ। और मटर खूब डालिए, प्रोटीन का सोर्स है, कैरेट खूब डालिए, विटामिन ए का सोर्स है एंड सीजनल बहुत अच्छा है। गोभी आप डालिए, गोभी एक रिचनेस देती है एंड पोटैटो। अब अगर आप पोटैटो नहीं डालना चाहते हो एंड इसको रिच थोड़ा बनाना चाहते हो और टेक्सचर वो कैसे करना है वो बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आज अपनी ट्रेडिशनल स्टाइल की ही पाव भाजी बना रही हूँ। और इस तरह से पहले मैं सब्जियों को ना इसी बोल के अंदर मिक्स कर लूँ, जितना मैश हो जाएगी ना उतना ही अच्छा होगा। तब तक मैं यहाँ कढ़ाई ले रही हूँ। और किसी का कमेंट आया था मैम पाव भाजी का मसाला भी बनाना बताएं, तो आज तो मैं पाव भाजी का मसाला नहीं बताऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मैं जल्दी ही आप लोग को पाव भाजी के मसाला की रेसिपी भी शेयर करूंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक बार ये पानी है थोड़ा ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के वो निकल जाए, देन हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल एंड जब तक हम ये सब्जियों को अपने किसी भी हेल्प से बड़े बर्तन से मैश से मैश कर लेंगे। प्रॉपर मैश होनी चाहिए, सब्जियां आपको अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। एक बार इधर दिखा दो, आई मैम प्लीज शेयर दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। चलो ठीक है, क्योंकि विंटर है तो अभी खाने का भी मन करता है, दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे करते हैं एंड जो भटूरे हैं मेरे बिल्कुल ऑयल फ्री होते हैं, ठीक है। एंड छोले की रेसिपी बहुत अच्छी थी, कितने लोग चाहते हैं छोले भटूरे की रेसिपी, तो मैं पक्का लेके आऊंगी। तो जल्दी से कमेंट करो कितने लोग चाहते हैं छोले की रेसिपी। और कैरेट की क्वांटिटी अच्छी डालना, एक रेडनेस और उसको टेस्ट को अच्छा देती है। यस मैम मुझे भी शिमला मिर्च इसमें पसंद नहीं है। यस रेनू वो बहुत ही पंचट सा टेस्ट देती है, मार्केट में कभी शिमला मिर्च नहीं होती है, ठीक है। पत्ता गोभी आप डाल सकते हो, पत्ता गोभी मैंने नहीं डाली आज, लेकिन पत्ता गोभी, लेकिन ये चार पांच बेसिक सब्जियां हैं इन्हीं को आप डालोगे तो बेटर रहेगा बस। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ, मेरे पास वो वाला मैशर नहीं है तो अपनी बड़े वाले से कर रही हूँ। और क्योंकि कौन सी लेनी है, गोभी कौन सी लेनी है, गोभी फूल गोभी लेनी है, मतलब पत्ता गोभी भी आप ले सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी में लेना, लेकिन फूल गोभी इसके अंदर जाती है फूल गोभी। तो आप भी बनाना, अच्छा मैं रेसिपी ज्यादा बना रही हूँ, आप देख रहे हो इसकी पाव भाजी बहुत सारी बनेगी, बट ठीक है एक ही बार बॉईल करना है एक ही बार बनाना है तो आप बना सकते हो, दो दिन इसको एंजॉय कर सकते हो। मार्केट में आप जाते हो 150 रुपए से 200 रुपए की प्लेट मिलती है दो पाव के साथ, जिससे गुजारा नहीं होता है अगर आप अच्छा खाना बना पाते हो तो। यस मैम छोले भटूरे रेसिपी बताएं, दर्शना कह रही है। अच्छा और कितने लोग कह रहे हैं मैम मोमोज की रेसिपी, मोमोज की रेसिपी के लिए तो जो मैं बहुत कम बनाती हूँ, मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा यूज टू है, कहती है बहुत अच्छे मोमोज बनते हैं हमारी फैमिली, अगर वो कभी आती है ना ठीक है तो मैं मोमोज उसके जरूर लाइव कराऊंगी, क्योंकि जो एक्सपर्ट होता है जिस चीज का उसकी बात ही अलग होती है, उस चीज को ज्यादा बेटर वे में बना पाता है। इवन बनाए मैंने भी एक ही बार थे एंड बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन वो इतना टाइम टेकिंग हो गया था कि मैंने दोबारा से कहा नहीं बनाऊंगी। एंड मेरी बेटी मोमोज लवर है, मैं नहीं हूँ, तो होता है ना जब आप खुद होते हो तो ज्यादा चीजें फोकस करते हो। तो ये देखिए बिल्कुल मैश कर रखी है हमने अच्छे से, ठीक है। यहाँ हमारा जो पैन है रेडी है, इसमें हम डालें रिफाइंड, अच्छा खाली रिफाइंड नहीं डालना, सरसों का तेल इसमें नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ओके। और इसके साथ ही हम अभी पहले जो अनियन को साते करेंगे ऑयल के साथ, देन इसमें हम थोड़ा डालेंगे बटर, क्योंकि बटर के बिना पाव भाजी नहीं बनती है। सूप की भी रेसिपी लाइव, कौन सा सूप सीखना चाहेंगे रुचि, वैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी सूप की, बट बताओ कौन सा सूप सीखना चाहोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं छोले भटूरे लेके आऊंगी, भटूरे की मेरी रेसिपी मेरी क्लास से है एंड बहुत अच्छी रेसिपी है, ठीक है छोले भटूरे मैं लेके आऊंगी, बनता है शेयर करना, ठीक है। एंड इस तरह से हमने इसको मैश कर लिया, हमने कढ़ाई में गरम कर लिया, ठीक है। तो बस ये सब्जियों को हमने यहाँ कढ़ाई में गरम में करने में बहुत मुश्किल होती, जितना अच्छे से मैश हो जाए उतने अच्छे से करना, प्लीज इसको वो मत करना, ठीक है। चलो आज हम बातें भी कर सकते हैं साथ ही साथ, क्योंकि भाजी बनाने में थोड़ा सा टाइम लेता है, उतनी देर में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। भाई किसी ने मुझे पर्सनली कमेंट नहीं किया कि कोई पास में है तो वो कपकेक टेस्टिंग के लिए आ रहा हो, किसी का मेरे पास कमेंट नहीं आया, क्या बात है। कि कुछ जो लोग लाइव देख रहे हैं उसमें बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो, कोई आसपास वाला भी है जो देख रहे हैं। तो ये हमारी सब्जी जो है अच्छे से हो चुकी है, थोड़ी सी भी गुठली है तो मैं इसको, इसके लिए
लिए हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जी को वॉश किया, मटर को पील कर लिया, 300 ग्राम गाजर, गोभी, आलू चारों को बराबर लिया एंड एक से डेढ़ ग्लास पानी कुकर में डाल के तीन से चार सीटियां लगानी, अच्छे से सीटियां लगानी है। और जो सब्जियां लेनी वो बड़े बड़े टुकड़ों में लेना है, अगर बड़े टुकड़ों में लोगे तो इस तरह से मैश हो पाएंगी, छोटी होंगी तो वो मैश नहीं हो पाएंगे और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो मेहनत भी कम करनी पड़े और चीज भी बन जाए हम वो काम करने वाले हैं। मैम एचपी से है, सिप्रारा एचपी से बोली मैम मैं आ जाऊँ कब केक टेस्टिंग के लिए। रेनू गौतम कहाँ पे रहते हो रेनू, आ जाओ बताओ। लेमन कोरिएंडर सूप ओके वर्षा, और बताओ और लोगों की क्या रिक्वेस्ट आ रही है। वेजिटेबल सूप, वेजिटेबल सूप ठीक है, वेजिटेबल सूप की आई है, लेमन कोरिएंडर की आई है, और बताओ क्या, जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वही सूप लेके आऊंगी मैं। हाय प्रतिभा, हाय हिमानी कैसे हो, सोनम फ्रॉम सागर मध्य प्रदेश से जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्होंने मेरी बहुत सारी क्लासेस ली हैं, आते ही सबसे पहले शेयर करती हैं, कमेंट करती हैं, मोस्ट एक्टिव पर्सन हैं हमारे फॉलोअर्स में। आप पहले पेज पर बताए हैं, हाँ मैंने पहले बताए हैं छोले भटूरे, बज भटूरे की रेसिपी नहीं बताई उसके अंदर, उस दिन मैं बना रही थी लाइव आ गई थी तो मैंने उस दिन भटूरे की रेसिपी नहीं बताई एंड रीजन क्या है, आपकी जब कोई भी चीज क्लास में से होती है ना, क्लास की होती है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि इस क्लास की रेसिपी को डिस्क्लोज किया है, क्योंकि वो जो भटूरे हैं इतने अच्छे हैं, लोगों ने क्लास लेने के बाद कमेंट किया कि मैम मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिदा हो गए, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, आजकल घर के छोले भटूरे ही खाना है, आपके भटूरे बिल्कुल बिल्कुल हल्दीराम स्टाइल के ऑयल फ्री होते हैं, लाइट होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये टिप ऐसा नहीं है बहुत बड़ी है, क्योंकि वो टिप बहुत मैजिकल होती है किसी रेसिपी के अंदर। अभी इसके अंदर मैं 3 वीग अनियन डाले हैं, आपको अगर इतनी रेसिपी ले रही है, आप अगर एक से सवा किलो टोटल सब्जियां ले रहे हो, चार सब्जियां तो सवा किलो मेरी सब्जियां हो गई ठीक है, देन आपको 3 बिग अनियन 3 बिग टमाटो दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है। आप इसकी रेसिपी आधी भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक से सवा किलो, आप 500 से 600 ग्राम सब्जियों के साथ भी बना सकते हो ठीक है। तो इसके साथ मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ग्रीन चिली भी कट कर दूंगी, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए एंड इसके ऊपर कैसे हम कलर आना चाहिए मार्केट का, शाइनिंग आनी चाहिए, रिचनेस आनी चाहिए, वो सारी चीजें भी करेंगे। हेलो मैम आज की रेसिपी सुपर ट्राई, थैंक यू मधु, मैं भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी। हाँ जी रुचि पाउडर आपका तो मुझे पता है, आई थिंक आपने मेरे से ऑफलाइन क्लास भी किया रुचि है ना। अच्छा बताओ मुझे, मैं मुंबई से हूँ, मंगल बोल रहे हैं मुंबई से, केक सीखना था, हिमाली केक सीखना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो मैं आपको उसकी डिटेल दे दूंगी। मैम किस टाइम आए आप बता दो टेस्ट करने कपकेक। हिमानी शर्मा, हिमानी आप बताओ कब आना चाहते हो ठीक है, कल आना चाहते हो तो कल शाम को आ जाओ, दिन में थोड़ा मेरी मैं बिजी रहती हूँ, लाइक 5 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, मुझसे कनेक्ट कर लेना व्हाट्सएप पे ठीक है, और आ जाना चाहते हो तो शाम को आ जाओ, लेकिन मुझसे कनेक्ट कर लेना। कहाँ पे रहते हो आप, आपकी रेसिपी मस्त होगी, यस रेसिपी तो मस्त मस्त है, कपकेक तो अमेजिंग है, मैं खुद फैन हूँ और मेरे पूरी टेबल कपकेक से भरी हुई है। और पता है जब आपकी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती है, टेस्टी होती है, ऐसे भी नहीं होता है कि आप किसी को यूँ ही ऐसे किसको दोगे जाके है ना। और मेरी बेटी गुड़गांव में रहती है, वो बहुत फूड लवर है, वो वहाँ बैठ के परेशान हो रही है कि मैं कपकेक नहीं खा पा रही हूँ, एंड वो होती है तो बहुत सारी चीज़ें कंजप्शन हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसका हो सकता है वो एक दो दिन में आए, और गुड़गांव इतनी दूर है कि मेरा पहुँचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसको करना है पहले अपने अनियन को साथे एंड साथे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन करना है अनियन को ठीक है, इस बात की हमें ध्यान रखना है। एंड मैंने भी आपकी बहुत क्लासेस ली हैं पाखी पाखी, हाँ जी आपने तो बहुत सारी क्लासेस ली हैं एंड आई थिंक कपकेक की क्लास भी कल ले लिया हम, एंड सीरियसली कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो आपके काम को ऊपर लेके जाती हैं। एंड मेरी कल एक स्टूडेंट का फ़ोन आया जिसको सिर्फ मैं स्विस बटर क्रीम की क्लास मेरी ओनली केक के साथ 5000 की थी, और वो मेरे से कह रही थी मुझे सिंगल में सिखा दो, मेरे से ज़्यादा पैसे ले लो, एंड मैं नहीं सिखा पाई उसको, टाइम नहीं था, सिंगल में सिखाना है छोड़ो, ये भी 7000 देने को तैयार थी, सिर्फ स्विस बटर क्रीम विद केक कैसे काम करना है ठीक है। कल उसको पता चला कि
तुमने सिर्फ 1200 में इतने सारे केक, इतनी सारी बटर क्रीम, इवन स्विस बटर क्रीम भी सिखा दी। मैंने कहा हाँ, मैंने इस क्लास के अंदर बहुत सारी बटर क्रीम, इवन स्विस बटर क्रीम भी सिखा दी, क्योंकि स्विस बटर क्रीम बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ऑफर में एक दो दिन में ये खत्म करने वाली हूँ, इतनी सस्ती क्लास ये है नहीं। और बटर क्रीम केक आजकल बहुत इन हो रहा है इंडिया में बहुत। अगर आपकी बटर क्रीम बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है एंड कम मीठी है, लाइट है, चार चीज़ें आपकी बटर क्रीम में होनी चाहिए, वो जनरली अमेरिकन बटर क्रीम में नहीं आती। तो ये देखिए अनियन हमारा होने लगा है। स्वाति, हाय ज्योति, ज्योति फिरोजाबाद से आई थी मैं से केक सीखने और अब ऑर्डर ले रही हैं अच्छे से। थैंक यू हिमानी, मुझे एक बार कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है? तुम आओगे तो हम लाइव करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे लगे तुम्हारा रिव्यू के साथ में। और भी कोई आना चाहता है मोस्ट वेलकम। इसी बहाने एक इंट्रक्शन हो जाता है। आई थिंक हिमानी शायद विशाली से हैं जो पहले में से ऑफलाइन क्लास भी ले चुकी हैं। तो ये देखिए अनियन हमारा कितने अच्छे से कैरमलाइज हो चुका है, लाइट कैरमलाइज हुआ है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देना है चॉप्ड किया हुआ टमाटर। टमाटर खूब सारा जाता है पाव भाजी के अंदर, क्योंकि मटर भी मीठी होती है, गाजर भी मीठी होती है, गोभी भी। तो टमाटर क्या है, उस सबको बैलेंस करता है। इसमें थोड़ा सा डाल दूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू अनियन एंड अकॉर्डिंग टमाटर। अब सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें टमाटर को पहले सॉफ्ट करना है। उसको एक तो टमाटर चंकी होना चाहिए, मतलब हमें प्यूरी नहीं डालनी है पाव भाजी के अंदर, हर चीज चंकी होनी चाहिए, स्मूथ पेस्टिंग बाद में होनी चाहिए दबा दबा के। तो इसलिए टमाटर को हम इसमें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ताकि हम इसे ब्लेंड कर सकें, फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड ज्योति, हाय ज्योति, आई विश मैम आ जाती। हाँ, बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन है मुझे पता है, नहीं तो जितने लोगों ने मेरे से ऑनलाइन क्लास ली थी उन्हीं में को मैं बोल रही थी किसी को, बट वो सारे दूर दूर से थे ऑनलाइन वाले भी। थोड़ी सी मटर जो मैंने 300 ग्राम में से कुछ मटर मैंने अलग निकाल के रखी है बॉईल करके, ठीक है? और ये हमारा पाव भाजी मसाला है, ऑलरेडी हमारी वेजिटेबल है, और इसके साथ थोड़ा सा मुझे अदरक डालनी है और अनियन हो गया है, टमाटर के साथ ही हमारी अदरक भी हो जाएगी। एक्चुअली पाव भाजी के अंदर गार्लिक नहीं जाता है। कभी भी गार्लिक मत डालना, गार्लिक नहीं जाता है। मुंबई डिश है तो ज्यादातर मुंबई डिश थोड़ी सी गुजरात स्टाइल की डिशेज में ना गार्लिक की गार्लिक नहीं होता है। यामी भारत वाज का मैसेज पर क्या कहे यामी, मैंने भी क्लास सबके वर्कशॉप का पेमेंट किया है, आपने क्लास ग्रुप में ऐड नहीं किया है मुझे ग्रुप में, प्लीज ऐड। अगर बाई चांस एक दो लोगों का मेरे से क्या हो गया था, उनका नंबर मेरे पास फीड नहीं हो पाया था, बीच में फ़ोन में इशू आ गया था, शायद अभी आपका व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था। अगर आ रहा है, आपने क्लास ज्वाइन की है और मैं नहीं ऐड कर पाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे स्क्रीन शॉट शेयर कर देना और लाइव के बाद में मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है? बस आप मुझे एक बार शेयर कर देना, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैंने मेरा चैट मैंने बीच में सब मेरा फ़ोन व्हाट्सअप हैंग हो गया था तो हटा दी थी, तो जो पिछला रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। तो एक से दो चम्मच हमें गार्लिक डालना है और गार्लिक का भी पेस्ट नहीं डालना है, क्रश करके ही डालना, सब कुछ इसमें थोड़ा सा चंकी होता है। इसके साथ ही ये जिंजर का भी हो जाएगा। अब हमें पहले इसको करना है सॉफ्ट, तो सॉफ्ट करने के लिए इसको हम कवर करेंगे, बिना कवर करे टमाटो इतनी जल्दी से कुक नहीं होंगे। मुझे कपड़ा दे दो या टिश्यू दे दो। बॉम्बे, मेरे टमाटर देसी नहीं है, हाइब्रिड है। हाँ, बॉम्बे टमाटर बोलते हो गए आप लोग, हाइब्रिड टमाटो है, क्योंकि फिर वो बहुत टेंगे हो जाते हैं, बहुत जूसी हो जाते हैं। एंड पाव भाजी थोड़ा सा फैंसी डिश है, फैंसी डिश के अंदर थोड़ा सा हाइब्रिड टमाटो ही अच्छे जाते हैं। ठीक है,
या अम्मी की प्रॉब्लम वो हो गई, क्लियर हो गई, उनको समझ में आ गया, वो मुझे भेज देंगी, ऐसा हो जाता है कि मैंने डाला था मेरे फ़ोन से कुछ नंबर निकल गए, बाद में भी कल ऐड किया मैंने, ठीक है। एंड रेनू गुप्ता बोली है पाव भाजी, पूरा कमेंट पढ़िए कि क्या है। और यहाँ हमने 4 बड़े टेबल बिग टेबल स्पून पाव भाजी मसाला है जो निकाल के रखा है। और अब क्योंकि एक बार अगर आप अनियन बटर में भूनते हो ना, तो वो बटर का जो पानी होता है उसकी वजह से अनियन आपका कैरमलाइज नहीं होता है। तो अब आपका जो अनियन कुक हो गया, अब मैं इसके अंदर डालूंगी बटर, क्योंकि बटर के बिना पाव भाजी का मजा ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो अभी हमारी बात हो रही थी, कितने लोगों ने अभी रेसिपी सही से देखी, जिन्हें पता है कि हमारी सब्जियां कितने ग्राम मैंने ली हैं, कौन सी सब्जियां ली हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कितने लोगों को पता है कि कौन सी सब्जी लिए हैं और कितने ग्राम लिए हैं। और सूप की बात हो रही थी, एक दो लोगों ने वेजिटेबल सूप बोला, एक ने लेमन एंड कोरिएंडर, तो एक बार फिर से मुझे बताएं कि जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वही सूप मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फिर से कमेंट कर दो। एंड मैम, इफ देसी टमाटो होंगे तो उनको कितना लेंगे? देसी टमाटो होंगे तो भी आप 4-3 ले लेना बड़े, लेकिन फिर आप ना नींबू डालते समय सोचना, क्योंकि इसमें लेमन पड़ता है तो वो टेंगीनेस को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आप नींबू डालने से पहले टेस्ट कर लेना कि आपकी जो टेंगीनेस है वो अगर है तो लेमन मत डालना या फिर कम डालना। देगी बस चाहिए देगी रेड मिर्च कटनी, थोड़ा सा और कुक कर लेंगे, जल्दीबाजी में करेंगे तो काम नहीं होगा। एंड पाखी ने बहुत बड़ा हार्ट भेजा, मैं देसी टमाटर होंगे बता दिया। मंचो सूप, अभी अलग अलग सूप के नाम आ रहे हैं, मंचो सूप का नाम आया है, कॉलीफ्लावर, कैरेट, पीस, पोटैटो। हाँ जी, चारों चीज़ें कितने ग्राम थी पाखी ये बताओ? 300 ग्राम ईच, फूल गोभी, मटर, ठीक है, चारों सब्जियाँ सबको याद है। कितने ग्राम है वो किसको याद है? 300 kg लिया है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए पाखी, वेरी गुड। एंड पूरी रेसिपी पता है, दैट्स आप ना अगर जो लोग काम करते हैं, जैसे पाखी काम करती हैं, पाखी बहुत ज़्यादा हमारी क्लासेस से इम्प्रेस्ड हैं कि उनकी कहती है मेरी लाइफ चेंज हो गई मैम आपकी क्लास लेने से पहले, मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत सारे अच्छे मतलब रिव्यूज़ मिलते हैं हमें अपने क्लाइंट से। तो आप लोग ना इस तरह की कुकिंग के भी आप ऑर्डर ले सकते हो, पाव भाजी प्लेट्स एंड ऑल के भी ऑर्डर आप ले सकते हो। मैं भी कभी कभी ऐसा शॉप लेती करती हूँ अभी सोसाइटी के अंदर। अब हमें टमाटर को पहले दबा दबा के प्रेस करना है, अगर टमाटर ऐसा रहेगा साबुत तो भाजी मज़ा नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से इसी से दबेगा, थोड़ा सा गुलाई है इसके अंदर। हाँ, इस तरह से हम दबाएंगे इसको और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला। और साथ के साथ हम डालेंगे इसके अंदर 50 ग्राम बटर। मार्केट के अगर आप पाव भाजी मसाला लेते हो तो कौन सी कंपनी का आपको पसंद है? 1 kg, 130 kg लगभग सब्जियां हैं टोटल मिला के, बाकी कह रही मधु गुलाटी। हाय मधु, हाय लता। फिर ये देखिए बटर जो है सब्जियों के अंदर बिल्कुल रच बस गया है और इसका जो टेस्ट है मतलब फील होगा, ठीक है। अच्छा, इस समय अमूल का बटर नहीं मिल रहा मार्केट में, बहुत मुश्किल से मिला था क्लास से पहले, नहीं तो मैं समझ रही थी कि मैं कप जो अपनी बटर क्रीम क्लास में भी मुझे कप केक्स बनाने में भी यूज़ करना तो मैं क्या करूँगी, फाइनली मुझे मिल गया। तो ये देखिए बिल्कुल मसाला कोट हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती है। पाव भाजी मसाला कौन सी कंपनी का है? पाव भाजी मसाला आप लोग कौन सी कंपनी का लेते हैं? मैं पर्सनली बताऊं, मुझे पाव भाजी मसाला जो है MGH कंपनी का बहुत पसंद है। कितना डालना है? 4 टेबल स्पून 4 टू
5 टेबलस्पून ही आपको डालना है इसके अंदर, ठीक है। एंड पाव भाजी मसाला मुझे एमडीएस का बहुत पसंद था, बट आज मैंने लिया है एवरेस्ट का, क्योंकि जहाँ से मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर लिया था वहाँ पे अवेलेबल नहीं था एमडीएस ब्रांड का। देखिए एमडीएस ब्रांड की एक अलग ही खुशबू आती है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी धीरे धीरे सब्जियाँ। जब तक कि सब्जियां वगैरह अच्छे से मैश नहीं हो जाती आप पानी जो है साइड में ही रखना, पानी मत डालना। अच्छे से पहले मिक्स कर दूं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि सब्जियों से पूरी तरह से भर गई है, तो पहले मैं मिक्स करके जितनी सब्जी हमें अभी लेनी होगी शाम को उतनी तो अभी कर लूंगी, बाकी सब्जियों को ऐसे ड्राई जो एक लास्ट जो छौंक है वो सब चीज छोड़ के हम निकाल के साइड रख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी अगर आलू वगैरह दिख रहा है ना उसको प्रॉपर मैश कर दो। इसके अंदर टोटल आपका 3-4 टीस्पून जाएगा सॉल्ट। अब जैसे कि मिक्स हो गया है तो मैं थोड़ी सब्जी इसमें से निकाल लेती हूँ। हाँ आई थिंक इतनी सब्जी इसमें हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं रख देती हूँ बाद के लिए। और अब हम इसके अंदर क्या करना है, एक तो हमें अब इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है, और इसी समय हमें जो मटर है ना ऊपर से मार्केट में देखा होगा सब कुछ मिक्स होता है लेकिन मटर ऊपर से दिख रही होती है ग्रीन ग्रीन, तो ये सबसे बाद में थोड़ी सी उबाल के मटर डालेंगे, एक लुक भी आना चाहिए आपकी रेसिपी में, है ना। तो पहले तो मैं बिना पानी के है इसलिए मैश हो रही है, तो पहले पानी ना डालें, जब अच्छे से मिक्स वगैरह हो जाए तब ही पानी डालें। 4 टेबल स्पून मसाला लिया है मैंने, 1 केजी सब्जियां है तो 4, अगर आपकी थोड़ी कम है तो 3 टेबल स्पून, और 4-1 से ज्यादा है तो 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से मैसर होता तो और जल्दी हो जाता, कोई बात नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पानी, सब्जियों का पानी जो है वही डालेंगे, इतनी गाढ़ी कभी भाजी नहीं होनी चाहिए, और इसको जितनी देर भाजी धीरे धीरे बनती है उतना अपने मार्केट में रहता बनती रहती है, वो पेस्ट बना के रखते हैं मार्केट में, इतनी सारी अच्छी सब्जियां कभी नहीं डालते हैं, आलू डालते हैं और सीताफल जैसे कद्दू बोलते हैं वो डालते हैं, इसलिए इसका टेस्ट बिल्कुल पंजट सा अच्छा नहीं आता है, एंड कॉस्ट कटिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली कर देते हैं, और घर की आप इस तरह से पाव भाजी बनाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। चलो मैं कमेंट देख लेती हूँ। कॉलीफ्लावर केवट मटर, हाँ सोनम कह रही है ठीक है, क्या बना रहे हैं, क्या क्या लिया है वेजिटेबल। श्वेता, मैंने ली है 300 ग्राम ईच मटर, गाजर, आलू एंड फूल गोभी, 3 वीक टमाटो, 3 वीक अनियन एंड कोरिएंडर एंड सम लेमन, हमें जो बाद में चाहिए, ठीक है। तो सारा पानी जो था हमारी वेजिटेबल्स का जिसमें विटामिन भी होते हैं हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको धीरे धीरे बनने देंगे, बटर हमारा काफी सारा चला गया इसके अंदर, एक हमें लगाना है इस पे तड़का ऊपर से शाइनिंग के लिए, कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, और जैसे कि हमें मार्केट जैसा थोड़ा कलर देना है इसको, तो ना मार्केट में एक कलर आता है ऑरेंज रेड कलर, किसी भी सस्ते से ब्रांड का होता है, ये अजंता का मेरे पास है, और जितने भी रेस्टोरेंट फूड होते हैं उनमें वो थोड़ा सा डालते हैं, अगर आपको मार्केट जैसा कलर चाहिए तो, मतलब फ्यू ड्रॉप्स डालोगे और पानी में डिजॉल्व करोगे देन इसको आप डाल दोगे। आपको ये नहीं डालना है, चुकंदर डाल सकते हो, मैंने चुकंदर डाला था, चुकंदर में ऐसा टेस्ट वो कलर नहीं आया, ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे ऑर्डर वगैरह लेते हो तब डालो, वरना ये कम्प्लीट है, इसमें कोई कलर वगैरह की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये पाउडर कलर लिया है इसके अंदर, और इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी लिया है, और इसको हमने कर दिया है डाइल्यूट, ताकि पाउडर फॉर्म में ना रहे, एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए। एंड हेलो मैम, क्या बना रहे हो आज। हाय योगी,
पाव भाजी बन रही है। हाय क्या बना रहे हैं, सलमा पूछ रही है पाव भाजी बना रहे हैं। एंड यस यस, तो गाइस हमारी क्लासेस और कपकेक की क्लास की डिटेल्स चाहिए तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए 9912077131 पे। तो ये कैसी लग रही है पाव भाजी, हमें इसको थोड़ा बॉयल देने हैं दो तीन। तो जैसे कि थोड़ा सा कलर इसको हमें मिक्स कर देना। ऑरेंज रेड ही था ना, रेड तो नहीं था, ऑरेंज रेड था, टमाटो रेड है, पढ़ लिया करो, डाल दे नहीं पता चला कि कलर दूसरा है इसका। बोला ऑरेंज रेड और तुमने बोला ऑरेंज रेड है, मैंने कहा हाँ क्या करते, इसका कलर टमाटो रेड है और हमें ऑरेंज रेड चाहिए था तो मैंने रोक दिया, बैलेंस कर दूंगी। वैसे तो फिर ठीक है, मार्केट में ऐसे ही कलर रहता है, पानी में डाल दूंगी। गाइज ऑरेंज रेड कलर नहीं पड़ता है किसी भी सब्जी में, सब में टमाटो रेड पड़ता है और डालते ही मुझे लगा कि वो एक ही ड्रॉप डाला और कलर उसने पूरा ले लिया है। कोई बात नहीं है, अभी इसको हम बैलेंस कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो मटर है वो डाल देंगे क्योंकि ये मटर दिखेगी, ये देखो इस तरह से ग्रीन दिखेगी। मुझे भी देख लेना चाहिए था एक बार, मुझे लगा कि ऑरेंज रेड बोला है तो ऑरेंज ही रेड होगा। ऑरेंज रेड में थोड़ा सा येलो स्ट्रेच होता है, रेड तो बहुत ज्यादा सब्जियों में नहीं जाता है, वो फिर और डेकोरेशन वगैरह में जाता है। तो हमारी जो भाजी है थोड़ा ज्यादा डार्क हो गई है इसलिए क्योंकि इसके अंदर अब वो वाला कलर गया है, रेड गया है। ये हुआ है गड़बड़। वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम नोएडा दिल्ली। ठीक है, अभी हमें इसमें एक लगाना है तड़का। अच्छे को हमारी आधी बजी है, आधी में कल हम ऑरेंज रेड करेंगे। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन ले लिया है और तड़का लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाय शुभाश्री माउथ वाटरिंग थैंक यू, बटर लेना है। तड़के में हमें बटर डालना है और इसके लिए हमें या तो देगी मिर्च चाहिए या चाहिए हमें लाइक कौन सी मिर्ची बोलते हैं उसको, देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च। ठीक है, तो कश्मीरी मिर्च में बिल्कुल चिली नहीं होती है, इसमें मिर्च चिली होती है, स्पाइस। तो स्पाइस कितना चाहिए उसके हिसाब से कश्मीरी या देगी ले सकते हैं। जी स्लाइसर दो एक। हाँ क्या बन रहा है, पाव भाजी बन रही है एंड हमने यहाँ पे तवा भी अपना गर्म होने रख रहे हैं ताकि हम पाव इसके साथ बनाएंगे। और पाव भाजी जब भी आप सर्व कर रहे हो लेमन जरूर दो, लेमन का हमेशा इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओके पाकिस्तान से देख रहे हैं लाइव। और मधु गुलाटी थैंक यू मधु, मधु कहाँ से बोल रहे हैं, शुभाश्री आप कहाँ से हैं, ये लोग नए हैं तो इनसे मैं पूछना चाहूंगी आप कहाँ से लाइव देख रहे हैं। अब हमारा ये हो चुका है, लाल वाली मिर्ची वो खत्म हो गई है तो ये देख सकते हो कि हमारी भाजी बिल्कुल सही फॉर्म में है। मार्केट में कभी भी ना अच्छी सब्जियां नहीं डालते हैं, बहुत सारा कद्दू डाल देते हैं जिसकी वजह से वो बस मिर्ची को हल्के से घी के अंदर डालेंगे और हम इसको एक ऊपर से साइनिंग के लिए, इससे हल्का सा फ्लेवर भी आएगा और इसके साथ हम थोड़ा डालेंगे धनिया। तो हमारी जो भाजी है वो रेडी है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं कि आपको भाजी कैसी लग रही है। और अब हम तैयार करेंगे अपने पाव। और यस यहाँ पे मैं रख रही हूँ ये और इसको रख रही हूँ साइड। तो विंटर में अगर इतनी अच्छी सी पाव भाजी मिल जाए ना तो फिर बात ही क्या है, कुछ और खाने की जरूरत ही ना पड़े। आप लंच ब्रेकफास्ट दोनों पाव भाजी के साथ कर सकते हो। चलो आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग,
रोहिलिन बोल रही है दार्जिलिंग से है, यामिनी कह रही है पाव भाजी माउथ वाटरिंग है, थैंक यू सो मच यामिनी, थैंक यू। एंड थोड़े से सैलेड के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। जब आपकी पाव भाजी बंद हो जाएगी देन इसके अंदर जाएगा लेमन, क्योंकि लेमन क्या है आप गर्म में नहीं डालोगे कड़वा होता है, और लेमन थोड़ा सा जरूर डालें क्योंकि पाव भाजी के टेस्ट को बहुत ज़्यादा उबालता है। तो मैं इसको इसके अंदर डाल के थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, अभी ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये देखो क्योंकि ये चाट में ही आता है तो पाव भाजी के अंदर लेमन मतलब एक अलग ही इम्पैक्ट देता है। इसको धोके दो मुझे। अब मैं अपने पाव निकाल ली हूँ, मैं इंग्लिश अवन के पाव यूज़ कर रही हूँ। एंड पाव आपको मार्केट में मिल ही जाते हैं, मैम पाव की रेसिपी सिखाओ। पाव की रेसिपी के लिए आप हमारी लाइव ब्रेड क्लास ले लो ऑनलाइन, क्योंकि ब्रेड बनाने में बहुत पार्टीशंस होते हैं, लाइव पे नहीं सिखाया जा सकता। उसका रीज़न यही है क्योंकि वो बैचेस में बनता है, मतलब एक साथ नहीं बनती पूरी रेसिपी, रेस्ट ले लेके बनती है। तो यहाँ पे मैं पाव को क्या कर रही हूँ, आधा पीस से कट कर रही हूँ, ठीक है। पूरा आप मत लें, आधा कट करके लें। एंड माया सानी ने बहुत सारे स्टार भेजे हैं, थैंक यू। रोमा जैन बोल रही हैं पुणे से, वेरी गुड, लुकिंग वेरी टेस्टी एंड सुपर, थैंक यू माया। मैम पाव की रेसिपी सिखाओ, रेनू की बात का मैंने रिप्लाई दे दिया। और हम बटर लेंगे और इसके ऊपर हम इसको ऐसे करते, ठीक है। इतना सारा तो नहीं चाहिए बटर, हमने थोड़ा सा मेल्ट किया और जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और आजकल बटर भी मेल्ट नहीं होता है तो पता नहीं, कभी कभी ऐसा मन करता है मेरा कि मैं ये भी बना लूँ, मैं वो भी बना लूँ, और पता नहीं क्यों। तो कल की क्लास के बाद में मीठा खाने का था, इतना मन कर रहा था तो मैंने राजमा भी कल के लिए प्लान कर लिया है, राजमा बनाएंगे और आज पाव भाजी बनाएंगे, भी थोड़े से छोले भी बनाए। सोचो तो मतलब होता है ना कभी कभी आपको क्रेविंग होती है कि चलो घर में ही पार्टी करते हैं, वो वाला हिसाब। पाव को जब भी आप सेक रहे हो बहुत ज़्यादा दबाना मत, उसका जो ब्रेड है वो दब जाएगा और खाने में अच्छे पाव का मज़ा नहीं आएगा। तो पाव को इस तरह से सेकोगे, हल्के दबाना नहीं है एंड हल्का सा दबाना है, बहुत कम, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है पाव को ऐसा दबा देते हैं बिल्कुल ब्रेड की जगह वो रोटी बन जाती, तो वैसे नहीं करना है। और ये हमारे पाव हो रहे हैं, तब तक मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए रुचि, कितने लोगों का मन कर रहा है आ जाओ कपकेक के साथ पाव भाजी भी खिलाएंगे, ठीक है। बोथ साइड से ये अच्छे से हो गए, इनको ज्यादा दबाना नहीं होता है, और ये प्लेट आपकी मार्केट स्टाइल की रेडी हो गई। सिर्फ दो ही पाव मिलते हैं मार्केट में, थोड़े से लेमन, थोड़ा सा ऊपर से बटर का डॉलप्स, और बस ये प्लेट हो गई रेडी। कैसी लग रही है पाव भाजी आज की लाइव में जो सिखाई, उसमें मुझे इतना बात बता दो कि आपको क्या लगा कि आपने क्या सीखा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लोग भी पाव भाजी बना रहे होंगे घर में, तो मुझे बताएं कि आपने क्या। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर टेस्टी रेसिपी, रोहिलिन कह रही है थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। मैम आप क्रिसमस केक के लिए एक सेशन कर दो, क्रिसमस केक की क्लास मेरी लाइव में ऑनलाइन है एंड उसमें ना कई वेरिएशन में क्रिसमस केक बनता है, सिर्फ मिक्स एंड मैच करके कुछ भी बनाने से नहीं बनेगा। इसलिए लाइव तो शायद मैं नहीं लेके आ पाऊँ, देखती हूँ कुछ और उससे और अच्छा से लेके आऊँगी, ठीक है। और मैम बहुत मन करता है, मेरी फेवरेट है पाव भाजी, सोनम आ जाओ या फिर आज बना लो, पक्का कल तक बना लो कि मुझे फोटो भी शेयर करोगे, क्योंकि सोनम के फोटो आ जाते हैं। सुनीता गणेश कह रही है कि सुपर लग रही है, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग हार्ट्स। एंड सोनम ने भी हार्ट्स भेजे हैं एंड थैंक यू रोहिलिन एंड सुनीता मैम, आप क्रिसमस केक की कोशिश करूंगी, लेकिन आप मेरी ऑनलाइन क्लास ले लो, जस्ट 499 के, बहुत अच्छी क्लास है जिसमें आप क्रिसमस केक बहुत ईजी
और बहुत परफेक्ट है, मतलब बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं उस तरह से। तो मेरी पाव भाजी की प्लेट रेडी है, और बिलीव मानिए मुझे बाहर की पाव भाजी से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। भर भर के ऑयल डाला जाता है, लो क्वालिटी का बटर मार्जिन ऐड किया जाता है, एंड उसके अंदर सब्जियों में टेस्ट ही नहीं आता है, इतने सारे मसाले डाल दिए जाते हैं, इतना सारा ऑयल डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो उसमें सब्जियां नहीं होती, कद्दू होता है, तो कद्दू का जो पंचर सा टेस्ट है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए पाव भाजी एक ऐसी चीज़ है जो मैं घर में बना के खाना पसंद करती हूँ, और आराम से सुकून से हॉट पाइप बिल्कुल भाजी एंड क्रिस्पी से पाव एंड थोड़े से लेमन टिंच के साथ, दैट्स इट, बस हो गया। और एक कप चाय, कंप्लीट मील है, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं नए लाइफ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज़।